वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरर बाउंड्री के बारे में। तो एरर बाउंड्री को यूज़ करने की ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है? जैसे कि हम कोई भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो सपोज़ करो उस कंपोनेंट के अंदर एपीआई के टाइम पर या फिर रेंडर होने के टाइम पर कुछ भी एरर आ जाता है, तो क्या होता है? हमारा अभी पेज बंद हो जाता है। लेकिन ये तो गलत है। अगर मान लो प्रोडक्शन पर आपका ये काम चल रहा है और कुछ भी एपीआई से गलत डेटा आ गया, तो आपका पेज बंद नहीं होना चाहिए ना। उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मैसेज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कैसे कर सकते हो आप? तो उसके लिए आप क्या करो, मान लो अभी मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेमो नाम से, demo1.js। इसके अंदर लिख दिया RFC, एंटर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डेमो फर्स्ट। इसको यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ demo1 ये हो गया, ठीक है। अब मान के चलो इस वाले कंपोनेंट के अंदर कुछ एरर होता, जैसे कि मान लो यहीं पे मैं एरर कुछ क्रिएट कर देता हूँ, यहीं से कुछ एरर मैं थ्रो कर देता हूँ, नॉट वैलिड डेटा, मतलब ऐसा कुछ भी आपको मान लो एरर आ जाता है आपका कुछ भी। तो देखो क्या होता, आपका ये पेज बंद हो जाता और कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ एरर आ रहा है, तो उस केस में कुछ ना कुछ आपका मैसेज जो दिखाना चाहते हो वो दिखाओ। तो उसके लिए आप एक एरर बाउंड्री वो बना सकते हो। तो एक फाइल बना लेते हैं, हम उसका नाम रखते हैं एरर बाउंड्री। मतलब कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एरर बाउंड्री रखना है आपको। तो एरर बाउंड्री हो गया। अब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ RCE, ये बना लिया। इसके अंदर आर कॉन्स्ट, ठीक है। तो एक स्टेट लेते हैं हम, उसके अंदर वैल्यू लेते हैं हम हैज़ एरर। स्टार्टिंग में वो वैल्यू जो है आपकी नल हो, ट्रू फॉल्स ले लेते हैं, चलो कि स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू हो फॉल्स हो। अच्छा, इसके अंदर ये लाइफ साइकिल के मेथड है, जब एरर आता है मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लाइफ साइकिल वाली वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी मेरी, स्टैटिक गेट गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर। इसके अंदर आते हैं आपके एरर, जब भी एरर आते हैं ना तो ये वाली चीज़ कॉल होती है हमेशा। तो जब भी ये कॉल होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, हैज एरर ट्रू, ठीक है। यहाँ से जब भी कुछ भी एरर आएगा तो मैं यहाँ से उसको ट्रू कर दूँगा, और यहाँ पर जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा इफ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज एरर है, तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं एक बार, और अदरवाइज अगर नहीं होगा तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, ठीक है। अब इसको यूज़ करना है हमें यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे इसको, इंपोर्ट एरर बाउंड्री, ये कॉपी ये पेस्ट, जो हमारा डेमो वाला है इसके आगे पीछे आपको ये लगा देना है, ये स्टार्ट करना है आपको और ये बंद कर देना है। तो एक तरह से ये हो गया आपका पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है दिस डॉट प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन।
अगर एरर नहीं आता तो चिल्ड्रेन के अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा रिटर्न होगा वो आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, ये कह रहा है दिस एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग, ठीक है, कहाँ दे रहा है एरर। एक सेकेंड, इतना ठीक था ये। यहाँ पर हमने ये स्टार्ट करा, ये बंद करा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एरर आई था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही। अब हम चेक करते हैं अपना कोड, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो समथिंग वेंट रॉन्ग आया और चला गया। अभी ये जा क्यों रहा है, क्योंकि अभी हमारा ये प्रोडक्शन मोड पर है। जैसे आप इसको कट कर दोगे तो मैसेज आने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका उस पर प्रोडक्शन पर जाएगा, अभी मतलब ये डेवलपमेंट मोड पर है इसलिए ये चीज़ हो रही है इसमें, ये वाली चीज़। अगर प्रोडक्शन पर होता ना तो ये एरर नहीं आता आपका, सिंपल ये चीज़ दिखती, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मान लो उसके अंदर कुछ एरर नहीं होता, इसमें एरर नहीं होता तो बिल्कुल सही चलता जैसे चल रहा है। इसमें एरर है तो इसने इसको कट कर दो, ये आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा मान के चलो इसमें एक और सेम ये होती चीज़, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं डेमो टू डॉट जी एस, इसमें सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ डेमो टू, और यहाँ पर कोई एरर नहीं है। डेमो सेकंड, इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी, और इसको भी मान लो मैं एरर बाउंड्री के अंदर डाल देता तो मेरा मान लो क्या होता। देखो एरर बाउंड्री, ये तो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ रहा है, और साथ में समथिंग वेंट रॉन्ग, जबकि इसके अंदर तो कोई एरर ही नहीं है डेमो टू के अंदर, ये देख रहे हो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन आपने इन दोनों को एक ही बाउंड्री में डाल रखा है इसलिए उसने इसको भी गायब कर दिया। तो इस केस के लिए आप हर किसी कंपोनेंट को अलग अलग बाउंड्री में डालना, ये उसके लिए अलग बाउंड्री होगी और नीचे वाले के लिए एक अलग बाउंड्री होगी, ताकि ऊपर वाली डिपेंडेंसी की वजह से ये नीचे वाला डेटा ना गायब हो। ये देखो डेटा इसमें ख़राब है तो इसलिए इसने इसका मैसेज दिया, इसमें तो सही है ना, तो ये अपना सही काम करेगा। तो हर एक कंपोनेंट वाइज आप अपनी एरर बाउंड्री डालते जाना, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।